तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सुल्तान पथरी के बिल्कुल दामन में। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इलाका लग रहा है बर्फ से। तो सुल्तान पथरी के बिल्कुल दामन में हम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यू पॉइंट जो बने हैं, यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट भी आए। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं खाने पीने की, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। व्यू पॉइंट्स यहाँ जो हैं बने हैं हर जगह। सुल्तान पथरी लोरन से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। आप देख रहे हैं बर्फ़ यहाँ पे, और इस वक्त जो है वो नून चाय का टाइम हो गया है। तो ये देखें आप, ये जो हैं बच्चे चाय पी रहे हैं इस वक्त। ये व्यू पॉइंट जो सुल्तान पथरी के बिल्कुल, जहाँ से सुल्तान पथरी का रास्ता शुरू होता है दरिया से, यहाँ पर खूबसूरत इलाका है सुल्तान पथरी का। ये देखो व्यू पॉइंट एक और है, ये देख रहे हैं आप पीछे। और बर्फ़ ही बर्फ़ जो है हर तरफ है। गर्मियों में सब्ज़ार होता है ये खूबसूरत इलाका होता है, और सर्दियों में बर्फ़ से बड़ा खूबसूरत लगता है। ये देख रहे हैं आप, ये टूरिस्ट जो है नीचे एक व्यू पॉइंट पर खड़े हैं, कोई ब्रेकफास्ट का कुछ कर रहे हैं। अब देखें कितना खूबसूरत इलाका है। तो मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर एक बार, कम से कम विंटर में एक बार ज़रूर आएँ और आनंद लें, इस खूबसूरती का नज़ारा लें। ये देख कितना खूबसूरत इलाका है, बर्फ़ से कवर है पूरा इलाका, बड़ा खूबसूरत इलाका लग रहा है इसमें। और यहाँ पे जो है आपको जो है बना बनाया जो है नून चाय भी मिलेगी, सीख मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये सीख बने हैं फर्स्ट क्लास। और क्योंकि यहाँ पे जो है ठंड है, चाय एक दो बार लेनी पड़ती है। ये नून चाय जो है ले रहे हैं हम। ये नीचे जो टूरिस्ट हैं, मुझे लगता है किसी का बर्थडे है, और वो वहाँ से आवाज़ हैप्पी बर्थडे। ये देखिए ये व्यू में, व्यू पॉइंट पे हैं, मेरे ख्याल में बर्थडे मनाने के लिए आए हैं ये। देखेंगे मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, कम से कम एक बार जरूर विंटर में बर्फबारी में यहाँ पे आए और खूबसूरत इलाके का आनंद लें। ये देखिए बिल्कुल सुल्तान पथरी के बिल्कुल पास हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देखिए खूबसूरत नज़ारा। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे बिल्कुल सुल्तान पथरी के बिल्कुल शुरुआत में, ये देखिए आप, ये व्यू पॉइंट बने हैं जहाँ अभी हमने जो है नून चाय पी। और आप थोड़ा जो है आगे की तरफ जा रहे हैं, बच्चे आगे चले गए। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे हैं। और ये साथ में जो है यहाँ पे एक मस्जिद है, ये एक मस्जिद है साथ में। और
मस्जिद के बिल्कुल आगे जो है ग्राउंड है, ये जहाँ पे जो बहुत सारे टूरिस्ट भी है सब हैं कुछ चले गए। ये आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, नेचुरल ब्यूटी। और गर्मियों में जो है बड़ा खूबसूरत इलाका होता है क्योंकि ग्रीनरी होती है, और आजकल भी विंटर में भी बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि बर्फबारी होती है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप सामने ये पेड़ पौधों के ऊपर भी इस तरफ बर्फ, ये देख रहे हैं आप। ये अगर इस तरफ की बात करें, ये सामने जो इलाका है ये लोरन का पीछे बिल्कुल डन्ना जो है सामने है जहाँ पर अभी हमें जाना है, तो लोरन तो बड़ा खूबसूरत इलाका है। ये चारों तरफ जो है पहाड़ी पहाड़ हैं। ये जो सुल्तान पथरी है ये लोरन से 4-5 किलोमीटर दूर, अब और आप देख रहे हैं ये जो है थोड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर टूरिस्ट ये देखा आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये मस्जिद है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये मस्जिद है ये। ये देख रहे हैं ये मस्जिद का व्यू मैं आपको दिखाना चाहता था। ये मस्जिद है यहाँ पे, देखिए देखिए। और यहाँ से जो है मस्जिद के साथ से रास्ता जो है वो ऊपर मैन सुल्तान पत्थर की तरफ जाता है, ये देखें आप। ये इस वक्त वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, बर्फ बहुत ज़्यादा है, तो आपको दिखा देते हैं यहाँ से। ये देख रहे हैं जंगल है, बड़ा खूबसूरत सारा है, ये देखें। और कोशिश कीजिए ज़िंदगी में कम से कम एक बार जो है विंटर में और समर में ज़रूर आए यहाँ पर, खूबसूरती का जो है। सामने एरिया है यहाँ से नंदीपुर की तरफ रास्ता जाता है, ये सामने जो मकान नज़र आ रहे हैं यहाँ से सीधा आगे जो है नंदीपुर की तरफ रास्ता जाता है। अब हम वापस जा रहे हैं, पहुँच गए हैं नीचे, आप बिल्कुल जहाँ पे गाड़ी लगती है वहाँ पे पहुँच। देखिए ये कुछ लोग मिले हमें यहाँ पे, एक स्टूडेंट, और ये जो है ये आप जा रहे हैं, बिल्कुल वापसी हो रही है। आप इंशाल्लाह आगे अगले दिनों फिर कोई प्रोग्राम रखेंगे, आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आपका साथी शाहीन तांत्रे। वापस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।